हेलो व्यूवर्स मेरा नाम अमित चड्डा है आई एम 54 फोर ईयर्स ओल्ड मैं म्यूम हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और यहाँ पे मेरा एक मेजर ऑपरेशन हुआ है ट्वेंटी नाइन्थ ऑन संडे में लास्ट मंथ जो है उस दिन मैं यहाँ एडमिट हुआ था इन एमरजेंसी और उन्होंने इमीडिएट मेरे को एक्सेप्ट कर लिया मीन्स ये भी नहीं किया कि कहीं और भेजो ये करो वो करो और मेरे ऑल ऑफ सडन एबडामन में राइट right साइड में पेन स्टार्ट हो गई थी संडे uh, मॉर्निंग को और उसके बाद अनबियरेबल uh, पेन तो मेरी ब्रदर की बेटी मेरे को यहाँ पे लेके आई इमीजिएट इन्होंने मेरे को एडमिशन दिया फिर अंडर डॉक्टर राजीव सेठ उन्होंने मेरे को ऑपरेट किया और बहुत अच्छा इज अ वेरी नाइस पर्सन रियली मेरे लिए तो भगवान है मेरे लिए तो भगवान है क्यों मेरी उन्होंने जान बचाई है मुझे नहीं पता क्या था पर जब उन्होंने मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे चेक किए तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे आँख के अंदर कुछ फंसा हुआ है आपके उन्होंने मेरा पेट काटा वो किया सब कुछ करके आज मेरे को इस हालत में सामने बिठा दिया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और डेली वो मेरे रूटीन चेक करते हैं कोई वो प्रॉब्लम नहीं आती रूटीन चेक में आके पूरा वो प्रिकॉशंस देते हैं सारी वो चीज़ें बताते हैं क्या हो है, क्या नहीं है हर तरीके से बहुत अच्छा मतलब बिहेवियर कहे तो बहुत ही अच्छा बाकी क्या कहूँ बाकी चार दिन तो मैं ना पानी ना खाना कुछ नहीं था मेरे लिए क्योंकि बिल्कुल ये सब चीज़ मेरे लिए बेहतर पर्टिकुलर मेरा ऐसा एरिया हुआ था कट कर दिया गया था आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये मेरे यहाँ पे कम से कम पचास से पचपन टाँके लगे हुए हैं और प्लस एक्स्ट्रा एक बैग और लगाया गया जो स्टूल वगैरह जो एग्जैक्ट एक, एक्ष, होता है वो निकल जाए उसके लिए ये सब करके उन्होंने मेरे को नया जीवन दान दिया है बाकी स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का बहुत कॉपरेटिव जब मेरे जब मैंने बेल बजाए इमीजिएट हाजिर हो गए सारा स्टाफ इवन नर्स बॉयज अदर स्टाफ सीनियर जूनियर सब इमीजिएट आए हैं ये नहीं कहूँगा कि बनी बनाई बातें बोल रहा हूँ मैं वो वाली बात नहीं बोलूँगा जो बोल रहा हूँ सच बोलूँगा क्योंकि यहाँ का है ही माहौल ऐसा और मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ खाना बहुत अच्छा खाने की सर्विस बहुत अच्छी इन लोगों ने बहुत अच्छी से मेरी सेवा करी है हाँ मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कभी भी इन फ्यूचर किसी के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो तो मेम हॉस्पिटल पे एक ट्रस्ट बनाइएगा मेरा तो ट्रस्ट बन गया है फॉर लाइफ टाइम के लिए जब तक जिंदा हूँ तब तक के लिए तो मेरा ट्रस्ट बन गया है इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ नमस्कार